बच्चों की सेल्फ इमेज को लेकर के थोड़ा सा आप तो रखें कि पॉइंट दें कि किस तरह से अपने बच्चे की सेल्फ इमेज को अपडेट रखें, किस तरह अपने बच्चे की सेल्फ इमेज को ग्रो करते रहें, ताकि एक लेवल पे जाकर के आज हम और आप देखते हैं कि काफी लोगों की सेल्फ इमेज डिस्टोर्ट हो जाती है। कल परसों का अगर हम हादसा देखते हैं, सुशांत जी ने अपना सुसाइड किया, तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही थी कि उन्होंने अपनी सेल्फ इमेज को डिस्टोर्ट कर लिया, किसी बाहर के बहकाव में आकर के अपने आप को, अपने माइंड को और अपने थॉट पैटर्न से बाहर नहीं निकल पाया। तो वो एक छोटी सी गाइडेंस आपकी तरफ से मैं चाहूंगा ऑडियंस के लिए, जो भी पेरेंट्स है, क्योंकि हर कोई पेरेंट्स है, कि किसी का छोटा बच्चा है तो किसी का बड़ा बच्चा, एक गाइडेंस आपकी तरफ से उनकी सेल्फ देखिए, इमेज को सबसे हमेशा बनाए। सबसे इम्पोर्टेंट जो चाइल्डहुड का जो जो पेरेंटिंग का जो सबसे ज्यादा टाइम क्रूशियल है, जो मैंने अब समझाया कि वो पहले 7-8 साल हैं। जब बच्चा 6-7-8 साल का है, वो अपने वर्ल्ड को तब तक बना चुका होता है, सर रिश्तेदारों को देखकर, भाई बहनों को देखकर, माता पिता को देखकर, अपने सराउंडिंग को देखकर, लोकल मॉडल एक्सेलेंस जिसको हम कहते हैं कि वो लोकल मॉडल को देखकर। सर और यहीं पर बहुत सारी चैलेंजेस उसके बाद आते हैं, इसलिए यहीं पर बहुत बड़ा रोल है। और उसके बाद तो उसके लॉजिक डेवलप हो जाते हैं, और लॉजिक्स में फिर वो उसके सामने टीचर्स भी आ जाते हैं, उसके पास बहुत सारे लोग आ जाते हैं। और ऐसे में सबसे बड़ा भी, और उसमें भी सबसे बड़ा जो रोल है वो मदर का है, पेरेंटिंग। अब ये क्या कर रहे हैं कि बाद में चीजों को ठीक कर रहे हैं। अब खुद सोचिए कि एक लड़का जो बताते हैं कि वो टॉपर था और बहुत अच्छा ओलंपियाड भी जीता था फिजिक्स का, बाहर की यूनिवर्सिटी में भी उसको एप्रिसिएशन मिला, इतना हार्ड वर्किंग भी था, यहाँ तक भी पहुंचा, और उसने पैसे भी कमा लिए, जितना एक आम आदमी के पास पैसा होना चाहिए, उससे तो 10-20 गुना ज्यादा ही होंगे उसके पास, ऐसी जगह पर रह रहा था। लेकिन सोचिए कि जहां पर उस आदमी के पास सिर्फ और कुछ भी नहीं, यही नहीं समझ में आ रहा कि उसको टेंशन क्या थी। टेंशन ये थी कि भाई आगे क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा, मुझे ये 10 पिक्चर नहीं मिली तो क्या होगा। अरे भाई तुम्हारे पास सब कुछ है, मस्ती करो ना बीच पर बैठकर। 60-70 करोड़ रुपए बता रहे हैं तुम्हारे पास है, तो अब तो 10 साल तक तुम्हें काम करने की जरूरत भी क्या है, बीच पर बैठ कर आराम से अपना हंसो खाओ। लेकिन गड़बड़ क्या होती है कि हमने इवेंट बेस्ड लाइफ जीना शुरू कर दिया है। तो पेरेंट्स को यही समझाना है कि भाई इवेंट बेस्ड लाइफ नहीं जीनी है, और रोल रोल इवेंट ओरिएंटेड नहीं जीना है। आज रोल मिला है मुझे कंगाली का, तो कंगाली के साथ जी लेंगे, कल रोल मिला है सक्सेस का, तो सक्सेस को जी लेंगे। अब हर बार रामलीला वाला जरूर थोड़ा है कि तुम्हें राम का रोल देगा, जब बूढ़े हो जाओगे तो विश्वामित्र का देगा, जवानी में आप सीता का रोल भी मिलेगा, ये थोड़ा ही कहते बुढ़ापे में भी सीता का ही रोल लोगे। सही बात है, बहुत बढ़िया। दूसरी बात ये भी है कि पेरेंटिंग को, ये पेरेंट्स को ये भी समझाना चाहिए कि वो जितना प्रेशर डाल रहे हैं बच्चों को, जरूरत नहीं है। बच्चे को हर पेरेंट्स एवरेस्ट पर पहुंचाना चाहते हैं, और एवरेस्ट पर पहुंचकर कोई मजा नहीं है, याद रखिए, अकेलेपन के कोई अलावा कुछ भी नहीं है एवरेस्ट पर। लेकिन एवरेस्ट से पर कैसे रहा जाता है, कैसे पहुंचा जाता है, ये प्रोसेस कोई नहीं बताता। प्रोसेस ये है कि भाई आप पूरी तरह से हार्डवर्किंग रहें, फेलियर को एडजस्ट करना सीखे लाइफ में, फ्रस्ट्रेशन को संभालना सीखे, डिप्रेशन को हैंडल करना सीखे 21वीं शताब्दी में। और अब आप सिखा रहे हैं पेरेंट्स सिर्फ के फटाफट इसको मैथमेटिक्स में टॉपर हो जाए, इसके अलावा भी है लाइफ। राइट सर, बहुत बढ़िया तरीके से आपने पेरेंट्स के लिए गाइडेंस दी। पेरेंट्स को एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि अपने बच्चे पे जब आप पेरेंटिंग कर रहे होते हैं तो वहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप अपने बच्चे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो तो कम्युनिकेशन जितना क्लियर रखोगे, जितना हंस बोल के उसके साथ कम्युनिकेट करोगे, उतने ही बेहतर आपके रिलेशनशिप बनेंगे। आज ज्यादातर अगर हम 2014 की सर्वे देखते हैं तो हर घंटे एक बच्चा सुसाइड कर रहा है। वो इसलिए नहीं कि वो कैपेबिलिटी या पोटेंशियल की कमी है, बल्कि इसलिए कि उसके पेरेंटल जो प्रेशर है उसके ऊपर वो ज्यादा होता है। तो आप उसका सहारा बनिए, ना कि उसकी कमजोरी। तो मैं आशा करूंगा सभी पेरेंट्स इस चीज का ध्यान रखेंगे और अपने बच्चे के लिए, आपके बच्चे को आप पर विश्वास होना चाहिए कि सारी दुनिया माने या ना माने, मेरे पेरेंट्स मेरी बात मानेंगे। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, बच्चों को सारी दुनिया पे विश्वास है, सब मान जाएंगे, लेकिन मेरे पेरेंट्स इस बात को नहीं मानेंगे। इसमें एक चीज और भी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, श्योर सर, जो रियल पेरेंटिंग है। आप, मैं एक कहानी सुनाया करता हूँ आपको, तो कई बार सुना रखी है, यहाँ भी सबको सुना देता हूँ। सर कि मान लेते हैं आपके पास एक 1.5 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, आप उसे पार्क में गए खिलाने के लिए, बच्चा पार्क में खेल रहा है कि अचानक, और आप बेंच पर बैठे हैं पीछे,
बच्चा कभी तितली पकड़ता है, कभी फूलों में खेलता है, कभी गिरता है, कभी हंसता है, और अचानक वो देखता है कि पीछे उसके पेरेंट्स नहीं बैठे जो बेंच पर बैठे थे। तो जैसे ही वो देखता है कि बेंच खाली है पीछे से, तो क्या अब वो खेलेगा वहां? वो नहीं खेलेगा। फिर क्यों नहीं खेलेगा? पार्क तो वही है, फ्लावर्स तो वही है, वो क्यों नहीं खेलेगा? बिकॉज उसके खेल का मजा तभी तक है जब तक उसके पीछे उसके पेरेंट्स बैठे। याद रखिएगा, पेरेंट्स को ये चीज समझनी चाहिए, आपको आपके बच्चे का सेफ्टी नेट बनना है। कई बार वो गलती करेगा, कई बार वो फेल होगा, कई बार वो फ्रस्ट्रेशन से गुजरेगा, तो उस समय आप उसका सेफ्टी नेट बने, ना कि आप उसे ताने मारे। राइट, बहुत बढ़िया सर।